मंगल मेहता स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रिवाइज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है इसमें, द थ्री साइंस आर गिवन, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू. ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें हमें फिल करना है, उसको प्रूव करना है कि ये इक्वल का साइन आएगा या कौन सा आएगा. मैंने फर्स्ट पार्ट किया, ए पार्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं -8 प्लस -4. ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन क्यों इसको ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि ये माइनस साइन दिया हुआ है, इससे पहले प्लस साइन है, तो उन दोनों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में. और यहाँ पे लगाया हुआ है एक बॉक्स, बॉक्स को एक्चुअली प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट बड़ा है या ये वाला पार्ट बड़ा है. सेकेंड है राइट साइड में क्या पार्ट है, -8 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये -4. इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, कौन बड़ा है छोटा है बराबर है, फिर उसी के अनुसार हम इसके अंदर अपना एक साइन रख सकते हैं. मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो बॉक्स के लेफ्ट साइड का था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड कहा, बॉक्स के राइट साइड वाले को मैंने राइट हैंड साइड कहा. तो पहले पार्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट पार्ट मैंने लिख लिया सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, -8 प्लस -4 सेम मैंने उतार लिया क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व कर रहा हूं इक्वल टू, अगेन अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हटानी है, तो ये -8 है तो माइनस ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट हमेशा जो है इंटू का काम करता है, मल्टीप्लीकेशन का काम करता है. जब ये नंबर एक प्लस का है, यहाँ -4 लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस जब करेंगे इंटू में तो माइनस बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लस एक माइनस तो माइनस बन जाएगा. ये ध्यान देने वाली बात अलग चुकी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं साइन में. तो कितना हो जाएगा -8 -4, दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा -12. अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है, साइन भी नेगेटिव ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा -12. अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में आप -8 -7 और -4 में यहां बता दिए हैं. अब हम इसको सॉल्व करना है इक्वल, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे तो ये -8. अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा और नेक्स्ट नंबर माइनस है, तो माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस बन जाता है, ये भी बहुत जरूरी बात है. अगर माइनस प्लस की कर रहे हैं तो माइनस, और माइनस माइनस यानी कि दो ही नंबर माइनस है और उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमेशा प्लस बन जाता है, ये मैंने प्लस कर दिया. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन चूंकि नंबर बड़ा है नेगेटिव तो इसका साइन भी रिमेन रहेगा हमें -4, सॉरी ये -4 बनेगा. अब आप दोनों कंपैरिजन करेंगे, ये -4 है ये -12 है, अंडरस्टूड. तो कौन सा बड़ा नंबर है, क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा हो वही बड़ा माना जाता है, उल्टा हो जाता है. तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है माइनस का, तो ये और भी छोटा नंबर है, इसलिए मैंने क्या किया राइट हैंड साइड को ग्रेटर देन दिखाया, ये नंबर बड़ा है. कैसे मैंने बता दिया आपको, -4 -12 में कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, तो देखेंगे दोनों का बड़ा कौन सा है. पहले अगर पॉजिटिव की दृष्टि से देखें, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, उल्टा हो जाता है, तो यानी कि 4 नंबर बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, अंडरस्टूड. तो यहां पे आके -4, तो ये मैंने साइन लगा दिया, तो पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया. इसके आंसर में हम क्या करेंगे, इसको सीधा ग्रेटर देन, ये इसमें तो साफ प्रूव कर रहा है, ये इसका तरीका है. अब हम बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या कहते हैं, -3 प्लस 7 -19 इक्वल टू, सॉरी इसमें भी बॉक्सेस है, ऊपर लिखे बॉक्सेस लगाएंगे यहां पे, 15 -8 प्लस एंड -5. अब आप देखेंगे इसको अगेन किसी तरीके से सॉल्व करूंगा. लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया पहले क्वेश्चन, -3 प्लस 7 -19 अगेन. अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस ही रहेगा, -7 ये प्लस 7 था वो प्लस 7 रहेगा. यहां भी ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस है, अंदर मतलब पॉजिटिव था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि 1 प्लस 1 माइनस तो हमेशा नंबर बन जाएगा माइनस, तो कितना बन गया 3 प्लस 7 माइनस 19. अब माइनस माइनस एक साथ ऐड करेंगे, 19 3 22 22 नेगेटिव के हैं और 7 पॉजिटिव के हैं, तो अगर आप 22 में 7 जाएंगे 15, और 15 कौन सा बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा है, तो साइन भी किसका बचेगा, नेगेटिव का बचेगा, अंडरस्टूड. अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, 15 माइनस 8 प्लस ब्रैकेट में है माइनस 9, तो 15 माइनस 8 और ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो क्या बन जाएगा नंबर, माइनस 9 बन जाएगा, इसकी वजह से बताया था 1 प्लस 1 माइनस और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइनस 9. अब आप देखेंगे 15 प्लस के हैं 9 और 8 17, ये माइनस की है, बड़ा सर माइनस 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, और चूंकि 17 नेगेटिव का ज्यादा था
तो इसके माइनस को माइनस कर दिया, माइनस टू अंडरस्टूड। तो देखेंगे फिर से कोई कंपैरिजन आप बना रहे हैं, यहाँ पे माइनस टू बना, यहाँ पे माइनस फिफ्टीन बना, बताओ बच्चों कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, चूंकि माइनस का टू है, अभी अभी मैंने बताया था आपको एक नंबर माइनस टू है, एक नंबर माइनस फिफ्टीन है, तो कौन सा बड़ा होगा। अगर कंपेरिजन में करना है, चूंकि दोनों निगेटिव नंबर है, उल्टा होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव की दृष्टि से देखें तो नंबर फिफ्टीन बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन नंबर टू बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से मैंने इसको भी राइट का हिस्सा दिया, यहाँ से मोर देन का साइन दिया, कि जो ये राइट वाला जो पार्ट है ये बड़ा है लेफ्ट वाले से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको बार बार प्रैक्टिस करने की क्या ध्यान देने वाली बात है, एक तो प्लस माइनस साइन आपको ध्यान देने वाली बात है, दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप कंपेरिजन करेंगे तो दोनों निगेटिव है, जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा माना जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाता है पॉजिटिव के केस में। पॉजिटिव में क्या होगा देखते हैं, तो अगर दोनों में सपोज करिए किसी को मैं एग्जांपल के लिए टू लेता और यहाँ माइनस फिफ्टीन लेता, तो आप बंद कर दिए, ध्यान दे रहे एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा प्लस का ही नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इसको साइन चेंज कर देता हूँ तो क्या अंतर बनेगा, जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा माना जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तीसरा, अगर मैं दोनों ही क्वेश्चन के बीच में कंपेरिजन करूँ तो कोई भी बता सकता है, सिर्फ सीधा देखते फिफ्टीन बड़ा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को पता है, ये बच्चों को ध्यान देने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो भी पार्ट है सी पार्ट डी पार्ट उससे ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में केवल इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टूड।